थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम बिना पैसों के सरवाइव करने वाले हैं कुछ वक्त के लिए, और जिस जगह हम जा रहे हैं वो लाहौर इस वक्त सबसे ज़्यादा रश वाली जगह है। तो फिलहाल मैं बाहर मेन पे आ गया हूँ और हमें चाहिए एक कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए वहाँ जाने के लिए, और बिना पैसों के जेबी मैंने खाली कर दी है और देखते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट में क्या मिलता है। मेन रोड पर आ गए हम, यहाँ से हम मांगेंगे लिफ्ट। लिफ्ट कहाँ से मांगेंगे? रिक्शे वाला आ रहा है, इससे पूछते हैं। नहीं, इसने भी नहीं रोका। ओके, नहीं, मुझे रोकने की हिम्मत ही नहीं हो रही क्योंकि बिना पैसों के पहली मर्तबा। भाई हमें लिफ्ट तो नहीं मिल सकती अब। गदर एड़ी आ रहा है। ओ भाई, मंडी जाना है यार, मंडी। ओ रुक गया यार, भाई शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैं ना चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैंने मंडी में ना कुछ टाइम गुजारना है बिना पैसों के। मुझे लिफ्ट लेके जाना होगा और आगे भी ऐसे मांग मांग के मुझे गुजारना है टाइम। तो आप मुझे लिफ्ट देंगे मंडी पे जाने के लिए? बहुत शुक्रिया यार, इधर बैठ जाओ ऊपर यार। बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई का। आप भी फ्रूट खरीदने जा रहे हैं? आए हैं, आगे खेला रहा है। क्या बेचते हैं वैसे आप? क्या बेचते हैं? केले। केले? जाना, अंदर जाना है। हाँ, मैंने भी मंडी, हाँ मंडी पे जाना है मैंने। इधर ही तो आ रहे थे कुछ लोग। आपने केले इधर से? शुक्रिया यार, बहुत बहुत यार, केले चेक करो भाई। यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम हो गया यार। ये मुझे लगता है ट्रैफिक वाले हैं यहाँ के। नहीं, यहाँ के ट्रैफिक वाले हो वैसे आप, ट्रैफिक सुलझाते हो आप यहाँ के। अच्छा, सही सही, मतलब ओके हो गया यार। भैया तो बहुत अच्छे थे रिक्शे वाले, उन्होंने हमें उतार तो दिया। अब बिना पैसों में सबसे पहले हमें पानी ढूंढना है क्योंकि ना कुछ खाया और ना पिया, मतलब भूख भी लग रही है। पहले कुछ पानी ढूंढते हैं फिर खाना ढूंढने के। यार चाचू जी, भाई जान, पानी कहाँ से मिलेगा हमें? पानी पानी कहाँ से मिलेगा? पीने है ना? हाँ, तो सामने रक्षा लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है यार, ये भी तो है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे चाचा से पूछते हैं पानी का। चाचा ने तो कवाली भी लगाई हुई है। फ्री में मांगना बहुत बुरा लगता है। देखते हैं। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया चाचा।
चाचा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ बहुत चलो बहुत अच्छे थे फ्री में हमें पानी पिलाया चाचा ने चलिए अब थोड़ा घूम लेते हैं फिर खाने का कहीं से जुगाड़ करेंगे हम इस भाई को तो मैं जानता हूँ और भैया क्या सोच रहे हो पहचाना है मुझे पहचान लिया वाकई में यार जब मैं पिछली बार आया था आप नींबू बेच रहे थे याद है ना आज टमाटर है पता है आज मैं वीडियो कौन सी बनाने आया आपको पता है किसी देख आज मैं मंडी में आया हूँ और जो भी टाइम स्पेंड करूँगा ना आलू की बर्फी सब कुछ मांग के और लिफ्ट लेके ऐसा कुछ मैं अब बाकी सब तो अभी ठीक है घूमना है और उसके बाद नाश्ते का जुगाड़ करना है क्या लगता है आप मुझे हो गया हो जाएगा हाँ अच्छा यार बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले भी आप मेरी वीडियो में आए थे अच्छा शुक्रिया ओके अल्लाह हाफिज भैया यार पहले भी मेरी वीडियो में आ चुके हैं जब मैं पिछली बार आया था सब्जी मंडी में जूते समझ में नहीं आ रहा सब्जी मंडी में जूते बेच रहे हैं यार नाश्ते को कुछ करना पड़ेगा भूख भी लग रही है ये हैं कुछ नाश्ते के पॉइंट्स और हम देखते हैं कि हमें फ्री में नाश्ता कौन देगा किससे मांगे यार हम इस लड़के से पूछते हैं कि जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ थोड़ी सी शर्म तो आ रही है लेकिन भैया से पूछते हैं यार मैंने नाश्ता करना है लेकिन बिना पैसों के नाश्ता करना है बहुत अजीब लग रहा है करा देंगे मुझे मतलब आज का जो पूरा दिन है ना बिना पैसों के गुजार रहा हूँ वीडियो बना हाँ तो आज की पूरी वीडियो में मैं एक रुपया भी कहीं पे खर्च नहीं करने वाला खाली जेब आया हूँ घर से और खाली जेब ही जाऊँगा नहीं अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं मैं कहीं और से इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं यार आपका कारोबार है कोई नहीं कराएगा यार भैया कह रहा है कि आपको नाश्ता ऐसे कोई नहीं कराएगा जी अच्छा आप मांगने वाले हैं तो फिर आपको मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा ठीक है कहीं और जगह ट्राई करते हैं और नाश्ता तो फ्री का ही करते हैं सब पूछते हैं यार भाई जान एक मिनट बात सुनेंगे मैंने ना नाश्ता करना है और बिना पैसों के कोई मसला नहीं लेकिन वहाँ पे वो भाई कह रहे थे आपको कोई नहीं कराएगा नाश्ता असल में मेरा ना YouTube पे है चैनल तो आज का पूरा दिन मैं घर से निकला हूँ खाली जेब लेकर और मतलब मांग के और लिफ्ट लेके और मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे भूख लगी थी और मैंने नाश्ता करने उधर मुझे भाई ने कहा कि आपको इस मंडी में ऐसे नाश्ता कोई नहीं कराएगा तो साथ में भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का भैया मुझे नाश्ता बना के तो दे रहे हैं पहली मरतबा गया था थोड़ा नर्वस हो गया हूँ लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है शुक्रिया भाई जान ये नान और ये मेरी रोटी टेस्ट तो बहुत अच्छा है आप लोगों का अच्छा यार शुक्रिया आप लोगों का आपने मुझे नाश्ता करवाया ठीक है भाईजान ओके शुक्रिया अल्लाह आपको बहुत दे यार फ्री का नाश्ता तो मिल गया है और जान में जान सी आई है कुछ अब हम ढूंढेंगे थोड़े से फ्रूट खाने के लिए फ्रूट भी हमें यहीं कहीं से मिल जाएंगे फ्रूट यहाँ से मांगते हैं तो भैया केलों की बोली लग रही है हाय 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 अब मांगो किससे
बहुत मुश्किल है यार एक आम बंदे के लिए मांगना। केले आपके हैं ये वाले? उनके हैं। अच्छा अच्छा चचा, आप मुझे बिना पैसों के दो केले दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इन्होंने तो मुंह पे मना कर दिया। चाचा मुझे सारे ही मना कर रहे हैं यार, क्योंकि इन्होंने खरीदे हैं और ये आगे जाके सेल करेंगे, इसलिए फोन देता है। लेकिन मुझे दिया है लोगों ने, मुझे तो बहुत दिया है। अच्छा एक और जगह ट्राई करते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा मैंने आपसे अमरूद खाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे खिला सकते हैं, मतलब दे सकते हैं? आपने वाकई में दे दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ठीक है, असल में मैं ना यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और आज मैं खाली जेब घर से निकला था, खाना भी यहाँ से खा लिया है, फ्रूट भी यहाँ से खा लिया यार। शुक्रिया यार। ओके अरे भाई चचा ने अमरूद दे दिया हमें, अच्छा है। कहीं से यार अब पानी का जुगाड़ लग जाए क्योंकि प्यास लगी हुई है यार। एक मिनट बात सुनना यार, मैंने आपसे पानी पीना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ला देंगे आप? नहीं ये आपका अपना नहीं है? अच्छा शुक्रिया यार, इजाज़त नहीं है। ठीक है यार, उनके उनका काम है, उनके मर्ज़ी है, वो पिलाएं या ना पिलाएं। हम एक और जगह ट्राई करते हैं, वहाँ से देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता। भाई जान तुम मैंने पानी पिला सकते हो? मेरे को पैसे नहीं है, पैसे नहीं है मेरे को। ले लो तो एक दो जगह तो पता कितना, कोई पिलाता कोई नहीं पिलाता। चल मैं उस साइड तो आ जाना एक। हाँ एक पिला दे मैंने पानी, एक गिलास देना भाई, जरा मर्जी देना तुम्हें। मेहरबानी ये ले यार, भाईजान बहुत मेहरबानी यार, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा जी पानी हमारा हो गया डन, अब हमने घर की राइड जो लेनी है ना वो फ्री, उसको जाके तैयारी करते हैं कि बाहर जाते हैं और हमें कौन सी राइड्स ठुकराती हैं कि भाई हमने आपको नहीं लेके जाना, और कौन से लेके जाती हैं हमें, देखते हैं कोशिश करते हैं। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा गुजरा है, मांग मांग के खाया है हमने। भैया हम मेन तो पहुंच गए हैं और अब देखते हैं कि हमें कौन बंदा अपनी राइड देता है। लिफ्ट मांगने की हम कोशिश करते हैं। हेलो ब्रदर, जाना है? नहीं इसने तो इधर ही जाना है। अब दूसरी देखते हैं हमें कौन सी मिलती है। भाई पैदल तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लिफ्ट लेकर ही जाऊंगा। और आ जाओ कोई तो आ जाओ यार। आते वक्त तो मंडी पे गाड़ियां आ रही थी इसलिए लिफ्ट मिल गई थी, अब जाते वक्त देखते हैं कौन देता है लिफ्ट। भाई बिना पैसों के जा रहा हूँ मैं। हाँ ये बात, क्योंकि आते वक्त मिल गई थी हमें लिफ्ट, जाते वक्त देता है, इस भाई से मिलते हैं यार। यार भाईजान, ओ भाई हमें छोड़ दोगे आगे तक? मुझे आगे तक छोड़ दोगे आप? आगे तक छोड़ दोगे? आपने जाना कहाँ पे है? जहाँ तक भी है मुझे छोड़ देना, मेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए मैं बिना पैसों के घूम रहा हूँ। छोड़ देंगे आप? अंदर हो चलें। ठीक है कोई बात नहीं यार जी, बैठ। ओके चल भाई, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक तो हमें छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। मैंने तो वैसे नेस्तर जाना है तो इसलिए जहाँ इधर जाना है ना आपने? हाँ तो फिर आप आगे लेके जा रहे हैं। शुक्रिया यार। ठीक है ओके, आप जाए, आप थोड़ा आगे आ गए हैं। ठीक है शुक्रिया बहुत बहुत। बिना पैसों के रिक्शे वाले नहीं उठाते, बाकी देखते हैं बाइक वाला अगर कोई मिल गया या फिर मंडी का रिक्शा कोई मिल गया तो फिर हमें जहाँ पे फ्रूट वगैरह लदे हुए हों तो हमें लिफ्ट मिल सकती है। यार हमें छोड़ देंगे आगे? हमें छोड़ देंगे आगे? नहीं आगे छोड़ना है हमें।
आवाज। चलें कोई बात नहीं, उनके पास जगह ही नहीं थी यार। अंकल जी पैसे नहीं है मेरे पास आते हैं, मुझे लगता है कि मुझे पैदल ना जाना पड़े। फिर नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, इनका भी कोई रिस्पांस नहीं भाई। जब तक सवारी नहीं मिलती मुझे पैदल चलना पड़ेगा, धूप है या चाहे जो भी हो, सवारी का इंतज़ार करेंगे। अब नहीं मिल रही तो क्या करें, फिर पैदल चलते हैं। तब तक उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी। यार बहुत देर से मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ, मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही। कैसा है क्या हो गया भाई? क्या लिफ्ट मिल गई, वरना मैं तो इधर मैं गुजर रहा हूँ, मेट्रो भी इंतजार में खड़ी हुई है यार। देख लो भाई का जलवा, शुक्र है कि घर की लिफ्ट मिल गई। अब घर पहुँच के मिलता हूँ यार इंशाल्लाह। मुझे तो एक नया एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। बिना पैसों के सरवाइव करना मुश्किल नहीं है, बस बंदा थोड़ा डीट होना चाहिए। डीट वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे बनना पड़ता है। और वीडियो को मैं जहाँ पे करता हूँ एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। नासिर।